इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, श्रीनगर में जोरदार हंगामा हो रहा है। जी हां, मसरत आलम की गिरफ्तारी के विरोध में अलगाववादियों ने प्रदर्शन किया, सुरक्षा एजेंसियों पर पत्थरबाजी की, सुरक्षा एजेंसियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको हम बता दें कि आज ही मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपको हम श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर अलगाववादियों ने पत्थरबाजी की सुरक्षा एजेंसियों पर, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अलगाववादियों पर, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ये तस्वीरें आप श्रीनगर की देख सकते हैं। लगातार स्थिति को काबू में करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। दरअसल ये जो पूरा विरोध हो रहा है, ये मसरत आलम की गिरफ्तारी को लेकर हो रहा है। मसरत आलम ने परसों एक रैली की थी श्रीनगर में, जिसमें गिलानी भी मौजूद थे और उसके बाद वहां पर नारे लगाए थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर झंडे लेकर मौजूद हैं, बैनर्स और पोस्टर के साथ यहां पर प्लेकार्ड लेकर मौजूद हैं लोग, और ये अलगाववादी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। मसरत आलम जो कि अलगाववादी नेता है, उसकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशरफ, इस वक्त वहां पर क्या स्थिति, क्या कुछ चल रहा है? श्वेता, दरअसल प्रशासन श्रीनगर शहर के कई इलाकों में प्रोटेस्ट या प्रदर्शन कहें उनको रोकने के लिए सफल हुआ था, लेकिन डाउनटाउन इलाका जो कि मीरवाइज का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद जो जामिया मस्जिद श्रीनगर की है, डाउनटाउन इलाके में ही है, और वहाँ पर जो है मीरवाइज हुर्रियत के अध्यक्ष जो हैं वो नमाज पढ़ाते हैं। उनको कल नजरबंद रखा गया था, लेकिन आज नमाज के लिए उनको जब इजाजत मिली वो जामिया मस्जिद श्रीनगर पहुंचे, और उसके बाद नमाज खत्म होते ही उन्होंने एक प्रदर्शन वहां पर निकाला, जिसका उन्होंने पहले ही घोषणा की थी कि वो त्राल में जो एक व्यक्ति मारा गया था पुलिस फायरिंग में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन करेंगे। तो वही फिर हिंसक बन गया, और उसके बाद फिर मसरत आलम की गिरफ्तारी भी हुई थी, उसको लेकर भी यहाँ डाउनटाउन इलाके में ये विरोध प्रदर्शन हुआ। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस चलाए। कई लोग मामूली तौर पर घायल हुए हैं, अभी तक तादाद उनकी पता नहीं है। दोनों तरफ से पुलिस के भी कुछ लोग जिनको पत्थर आए हैं वो घायल हुए हैं, और जो प्रदर्शनकारी थे उनमें से भी कई लोगों को चोटें आई हैं टियर गैस शेलिंग और पत्थरों से। तो अभी भी वहां पर हंगामा बना हुआ है पूरे इलाके में, लगातार कई इलाकों से, एक जगह एक तरफ से जहां पुलिस प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहती है, तो दूसरी तरफ से वो पुलिस पर फिर पत्थरबाजी शुरू करते हैं। तो ये पूरा जो हंगामा है श्रीनगर के पुराने इलाके में, जामिया मस्जिद के इलाके में या राजौरी कदर का इलाका कहें, यहाँ पर अभी तक फिलहाल ये चल रहा है, और इस पर फिलहाल ये जो है प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़पें हो रही हैं। लेकिन श्रीनगर के बाकी जगहों पर सुबह से ही सुरक्षा बल काफी चौकस रखे गए थे, वहां पर फिलहाल हालात जो है वो काबू में है। दूसरी तरफ आज गिलानी गुट ने त्राल चलो का आह्वान किया था, लेकिन त्राल में भी किसी भी व्यक्ति को वहां पर कस्बे में घुसने नहीं दिया गया। वहां पर कल शाम से ही कड़ा सुरक्षा पहरा था, और वहां पर जो रैली थी गिलानी गुट हुर्रियत की, उसको पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस ने नाकाम कर दिया। वहां पर भी लोगों को बिल्कुल वहां उस इलाके में आने की इजाजत नहीं मिली। बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें जरा दिखा देते हैं, श्रीनगर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त भी प्रदर्शनकारी एक तरफ पत्थरबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ
लगातार विरोध प्रदर्शन एक तरफ से जारी है। काले झंडे लेकर यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, जो कि अलगाववादी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, और दूसरी तरफ लगातार पुलिस बल जो है वो स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है। एक तरफ से पत्थरबाजी हो रही है अलगाववादियों की तरफ से, तो दूसरी तरफ से पुलिस बल की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। आपको हम बता दें कि कल ही नजरबंद किया गया था मीरवाइज उमर फारूक को, गिलानी को और साथ ही मसरत आलम को। इसके अलावा तमाम कुल छह अलगाववादी नेताओं को नजरबंद किया गया था। आज मसरत आलम की गिरफ्तारी हो गई सुबह, जिसके विरोध में अब बताया जा रहा है कि यह प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच मीरवाइज उमर फारूक, जिनको नजरबंद किया गया था, आज जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जब उनको मौका मिला, उनको बाहर निकलने दिया गया, उसके बाद जैसे ही वो मस्जिद में पढ़ने आए नमाज, उसके बाद से बताया जा रहा है कि वहां पर प्रदर्शनकारी पहले से मौजूद थे और एक रैली की शक्ल में ये पूरा प्रदर्शन वहां पर शुरू हुआ। काले झंडे लेकर वहां पर लोग मौजूद थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डाउनटाउन इलाका श्रीनगर का जो डाउनटाउन इलाका है वो वैसे भी तनावपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं आए दिन अब सुनने और देखने को मिलती है, लेकिन इस बीच बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रदर्शनकारी इस वक्त मौजूद हैं। मीरवाइज उमर फारूक भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनके ही नेतृत्व में एक तरह से, क्योंकि आज त्राल चलो का नारा दिया गया था गिलानी की तरफ से, गिलानी गुट की तरफ से, जहाँ पर प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, जहां पर रैली निकाले जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से वहां पर किसी भी गुट का इकट्ठा होना या किसी भी ग्रुप का इकट्ठा होना संभव नहीं था। पहले से ही सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद बंदोबस्त के साथ त्राल के पूरे इलाके में मौजूद थी, इसकी वजह से त्राल चलो का जो नारा था, जो रैली आज होनी थी, वो एक तरह से नाकाम हो गई। नज़रबंद है गिलानी। इस बीच मीरवाइज उमर फारूक की अगुवाई में कुछ प्रदर्शनकारी डाउनटाउन इलाके में, श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो पहुंच गए। और हालांकि इस पूरे इलाके में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल यहां पर भी मौजूद है, लेकिन एकाएक काले झंडे लेकर तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर आ गए और उसके बाद नारे लगाने लगे। मसरत आलम की गिरफ्तारी को लेकर भी विरोध जता रहे थे ये तमाम लोग। आज ही मसरत आलम की गिरफ्तारी हुई है, बडगाम कोर्ट में पेश किया जाना है मसरत आलम को। इस बीच आपको बता दें, हुर्रियत समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है, लेकिन उसे लगातार कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है पुलिस बल की तरफ से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जुनैद मट्टू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद साहब, इस वक्त जो वहां पर सूरत हाल है उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग एक प्रोसीजर होता है, उसमें तो कोई पॉलिटिकल कैटेक्लिज्मिक डिफरेंस नहीं है कि उस कैसे डील करना चाहिए, अनलेस समथिंग गोज रॉन्ग। तो डोंट नीड अ काइंड ऑफ रनिंग कमेंट्री ऑन दिस। हो रहा है जो एक सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर, आई एम श्योर द एडमिनिस्ट्रेशन इज डीलिंग विद इट। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि पीडीपी जिस तरह से पूरे मैटर को डील कर रही है वो सही नहीं रहा है, मसरत आलम को लेकर भी जो नजरिया रहा है और जो कुछ किया गया है। नहीं, हमारा वो नहीं रहा, मैं आपको पहले बोलूँ, जब मसरत आलम को रिलीज किया गया था तो होम डिपार्टमेंट से एक लेटर आई थी, जो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताई थी। मुफ्ती साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था मसरत आलम के रिलीज में, वो गवर्नर्स रूल में एक डिसीजन लिया गया था, लीगल डिसीजन। तो उनने क्रेडिट उसमें ज़रूर लिया था और कहा था कि वी विल एंगेज इन अ बैटल ऑफ आइडियाज विद द सेपरेटिस्ट। तो आज तो वो कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे इन चीज़ों के लिए, तो वो हमेशा क्रिटिसाइज करते थे प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उन्हें भी आज उनको अरेस्ट किया है। आज सेम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आपकी डाउनटाउन श्रीनगर में चल रही है, त्राल में चल रही है, त्राल में इंजरी हुई है। तो अब ये बैटल ऑफ आइडियाज कहाँ गया? वो जो एकेडमिक एक उनकी फिलॉसफी थी, एक ड्यूअल स्पीक थी, ही डज समथिंग सेज द अदर, सेज समथिंग डज द अदर, सो इट्स दैट ड्रामा अनफोल्डिंग। बिल्कुल जुनैद साहब, लेकिन जिस तरह से पीडीपी और बीजेपी की सरकार
जब से बनी है। खैर जुनैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुनैद साहब हमसे बात करने के लिए। तो इस बीच हम आपको बता दें कि फिलहाल जो सूरत हाल है वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर की ताज़ा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर पुलिस जो है वो कंट्रोल पूरे सिचुएशन को, पूरी स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रही है और लगातार ये कोशिश जारी है। इसी क्रम में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं ताकि प्रदर्शनकारियों को कुछ हद तक रोका जा सके और इसमें कामयाबी भी मिलती हुई दिख रही है कुछ हद तक। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीनगर से और लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, इसी खबर को आगे और हम आपको दिखाएंगे और वहाँ के ताज़ा सूरत हाल भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। क्या हमारे संवाददाता अशरफ वानी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, फिलहाल वहाँ पर स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है, अभी वहाँ पर कैसे सूरत हाल है? श्वेता, बिल्कुल, दरअसल अभी ये कुछ देर तक चलेगा क्योंकि कोशिश की जा रही है कि जो स्थिति है उसको काबू में किया जाए। लगातार जो है जामिया मस्जिद के पास, ये डाउनटाउन का इलाका है, नौहट्टा जिसको कहते हैं, जहां पर श्रीनगर की सबसे बड़ी मस्जिद जामिया मस्जिद है। जैसे हमने बताया कि जामिया मस्जिद में जूं ही जुमे की नमाज ख़त्म हो गई, वहाँ पर मीरवाइज को कल रात से हाउस अरेस्ट रखने के बाद नमाज पढ़ने की इजाज़त मिली थी क्योंकि वही जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं। उसके बाद वो एक जुलूस की शक्ल में जामिया मस्जिद से जब बाहर आए तो उनके समर्थक उनके साथ थे। उन्होंने पहले ही इस प्रोग्राम का आयोजन रखा था कि वो प्रोटेस्ट करेंगे ताल में जो एक व्यक्ति की मौत हुई थी उसको लेकर और साथ ही साथ मसरत आलम की गिरफ्तारी को लेकर। जो ही वो सड़कों पर निकल आए, पुलिस और प्रशासन दूसरी तरफ से तैयार था, तो जो प्रोटेस्टर हैं, जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने लगातार पुलिस पर पत्थरबाजी की और पुलिस ने लाठीचार्ज और टियर गैस चला के इस भीड़ को काबू करने की कोशिश की। फिलहाल हालात जो है वो सामान्य है, स्थिति में है, कंट्रोल में है, लेकिन लगातार जो है छुटपुट आसपास के पूरे इलाके में जो ये प्रदर्शन है फैल गए हैं और लगातार जो युवक हैं और प्रदर्शनकारी है वो पुलिस पर पत्थर चला रहे हैं और पुलिस उसकी जवाबी कर रही है। ये हमेशा कश्मीर में इस तरह होता रहा है, लेकिन आज जिस अंदाज से पहले से ही प्रशासन ने तैयारी रखी थी क्योंकि मसरत आलम को गिरफ्तार किया गया था, त्राल में जो अलगाववादी नेताओं की रैली थी उसको पूरी तरह से प्रशासन और सरकार ने विफल कर दिया था। कल शाम से ही उस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी गई थी, किसी को भी वहां पर जाने की इजाज़त नहीं थी। श्रीनगर शहर में भी दूसरी कई जगहों पर जो काफ़ी सेंसिटिव माने जाते हैं, लाल चौक का इलाका, मैसुमा का इलाका, बटमालू का इलाका, वहां पर भी पहले से ही सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी तैनात थे ताकि किसी तरह की हिंसक झड़प न हो। वहां पर तो प्रशासन हालात को काबू करने में कामयाब रहा, लेकिन डाउनटाउन इलाके में जो है वहां पर जो है हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है प्रशासन के और पुलिस के, और वहां पर लगातार जो है प्रदर्शनकारियों के बीच और पुलिस के बीच में झड़पें जारी है। एक तरफ से प्रदर्शनकारी जो है पत्थरबाजी कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से उसको रोकने के लिए और प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए पुलिस आंसू गैस का इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल अशरफ, लेकिन इस बीच ये समझना चाहेंगे क्योंकि ये लगातार एक कड़ी है, घटनाक्रम लगातार वहां पर जम्मू कश्मीर में चल रहा है। जब कल ही नजरबंद कर लिया गया था 6 नेताओं को, अलगाववादी नेताओं को, मीरवाइज़ उमर फारूक भी उसमें से एक थे, आज उन्हें जब कुछ समय के लिए बाहर जाने की इजाजत दी गई, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या पुलिस या सुरक्षा बल या वहाँ की जो एजेंसी है उन्हें नहीं लगा कि इस तरह की कोई भी घटना घट सकती है जो अभी देखने को, जो प्रदर्शन वहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो तादाद है प्रदर्शनकारियों की उससे ऐसा लगता है कि पहले से ही वो तैयार थे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। जैसे श्वेता, मैंने आपको कहा कि ये पहले से ही कार्यक्रम तय था मीरवाइज का, लेकिन उसको कहीं ना कहीं सामना करने के लिए पुलिस और प्रशासन भी तैयार थे। जुमे का दिन है, सबसे बड़ा पवित्र दिन मुसलमानों में माना जाता है और नमाज जो है जुमे की सबसे बड़ी नमाज जो है जामिया मस्जिद में ही पढ़ी जाती है और वो नमाज जो है मीरवाइज ही पढ़वाते हैं क्योंकि वो मीरवाइज हैं कश्मीर के और उस मस्जिद में उनकी अगुवाई में ही नमाज होती है। तो जाहिर है कि सरकार ने ये सोचा कि मीरवाइज को अगर हम नमाज से रोकें तो कहीं ना कहीं जो एक नई सरकार की एक नई बात है वो शायद कहीं से छट जाएगी और नई सरकार को इस नजरे में इस बात को लेना चाहती थी, तो उन्होंने मीरवाइज को नमाज पर जाने की इजाजत दी। लेकिन उस बीच वहां पर जो उनके समर्थक हैं और जो दूसरे हुर्रियत समर्थक हैं वो एकजुट हो गए नमाज के बहाने और नमाज के बाद ही उन्होंने यहां पर ये प्रदर्शन शुरू किया और यहां पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में ये झड़पें अभी भी जो हैं उस इलाके में जारी हैं।